करते हैं, बैक्टीरिया का स्टार्ट करवाते हैं आज आपको, ठीक है? हाँ बेटा, सबसे पहले अपन किसका स्टार्ट कर रहे हैं, जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे आज। तो जीवाणु, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले है परिचय, मतलब जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एवं प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, और जीवाणुओं की सर्वप्रथम खोज हॉलैंड निवासी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्वयं के बनाए हुए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में जल, लार व दांतों के खुरचे हुए मैल को देखकर की थी। तो उपरोक्त पदार्थों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर ल्यूवेनहॉक को विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव दिखाई दिए, जिनको उन्होंने एनिमेलक्यूल का नाम दिया। तो उनकी इस खोज के लिए ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। तो जीवाणुओं के बारे में ल्यूवेनहॉक का कथन है, ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई हैव डिस्कवर्ड इन नेचर, दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड आई मस्ट से दैट आई हैव नेवर नोन एज प्लेजेंट ए साइट एज दैट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ दीज स्मॉल क्रीचर्स लिविंग इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, स्टेयरिंग एज वन ग्रुप, येट ईच हैविंग इट्स ओन मूवमेंट। तो कैरोलस लिनियस ने इन सूक्ष्म जीवों को वर्मीज वंश में रखा। अब इसके इसके बाद सर्वप्रथम एरेनबर्ग ने इन सूक्ष्म जीवों का नामकरण बैक्टीरिया के रूप में दिया। बैक्टीरिया का शाब्दिक अर्थ है छोटी छड़, बैक्टीरिया इज इक्वल टू स्मॉल स्टिक। इसके पश्चात नेगेली द्वारा जीवाणुओं को पादप जगत के वर्ग शाइजोमाइसिटीज में वर्गीकृत किया गया। अब देखते हैं, परंतु जीवाणुओं की प्रकृति एवं उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लुईस पाश्चर द्वारा प्रदान की गई। तो लुईस पाश्चर फर्मेंटेशन और प्यूएन या क्षय डिके जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन करके यह बताया कि यह प्रक्रियाएं जीवाणुओं द्वारा संचालित होती हैं। मतलब लुईस पाश्चर द्वारा बैक्टीरिया की प्रकृति एवं उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान की गई। तो लुईस पाश्चर ने किण्वन और प्यूवन या क्षय जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन करके यह बताया कि यह प्रक्रियाएं जीवाणुओं द्वारा संचालित होती हैं एवं निमोनिया, हाइड्रोफोबिया एवं इनके जैसे अनेक रोगों का संक्रमण बैक्टीरिया जीवाणुओं द्वारा होता है। तो लुईस पाश्चर ने स्वतः जनन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को गलत साबित किया एवं जीवों में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति के लिए रोगाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस का प्रस्तुतिकरण किया। इसके बाद रॉबर्ट कॉच, कौन है? रॉबर्ट कॉच ने एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, हैजा, कोलेरा व क्षय रोग, टूबरक्यूलोसिस नामक रोगों को उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का आइसोलेशन करके इनका कृत्रिम संवर्धन किया। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। परंतु इसके पूर्व कोहन ने सर्वप्रथम जीवाणुओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी थी, एवं इसी आधारभूत लक्षण को ध्यान में रखकर उनके द्वारा जीवाणुओं को पादप जगत प्लांट किंगडम में रखा गया। और फिर बात करते हैं, कौन है? जे एल लिस्टर ने सर्वप्रथम कार्बोलिक एसिड का उपयोग
रोग रोगाणु किसका, जे.एल. लिस्टर ने सर्वप्रथम कार्बोलिक एसिड का उपयोग रोगाणुनाशी एंटीसेप्टिक के रूप में किया, किसके रूप में किया, एंटीसेप्टिक के रूप में किया। इसी प्रकार आए टी.जे. ब्यूरेल ने यह बताया कि जीवाणुओं द्वारा भी पादप रोग होते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि नाशपाती में दुग्ध अंगमारी रोग फायर ब्लाइट डिजीज जीवाणुओं द्वारा ही उत्पन्न होता है, एवं इस रोगकारी जीवाणु का नामकरण उनके द्वारा माइक्रोकोकस माइक्रोकोकस एमाइलोबोरस के रूप में किया गया। सन 1950 के दशक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार एवं अभिरंजन तकनीकों स्टेनिंग टेक्निक्स के विकास के पश्चात विभिन्न सजीव कोशिकाओं का विस्तृत अध्ययन करना संभव हुआ। इसके साथ ही धीरे धीरे जीवाणुओं के अध्ययन का महत्व भी बढ़ता गया, एवं अब वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं की संरचना, मेटाबॉलिज्म, उपापचय एवं प्रजनन रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया जाता है, उसे जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो हम देखते हैं, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, फर्स्ट है जीवाणु ओमनी प्रेजेंट होते हैं, जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात जीवाणु भूमि, जल एवं वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सेकंड है जीवाणु अत्यंत सरल एक कोशीय यूनिसेल्यूलर एवं प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। जीवाणु की कोशिकाओं के बाहर दृढ़ कोशिका भित्ति रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, इसी कारण इनको पादप जगत में रखा गया है। तो इनमें मतलब जीवाणुओं में पोषण की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, कुछ जीवाणु ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एवं शेष जीवाणु परपोषी हाइटरोट्रॉफिक होते हैं, जो मृतोपजीवी, परजीवी या सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। अब फिफ्थ है इनमें जीवाणुओं में क्लोरोफिल, वास्तविक क्लोरोफिल, ट्रू क्लोरोफिल का अभाव होता है। जीवाणुओं में ट्रू ट्रू क्लोरोफिल का अभाव होता है, परंतु प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में विशेष प्रकार का जीवाणु क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती है, अतः नील हरित शैवालों की भांति इनमें भी केंद्रक का अभाव होता है, और जीवाणुओं में केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एवं केंद्रक न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते, परंतु इनकी कोशिकाओं में केंद्रक के समान एक एक कंपोजिट संरचना पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ या जीनोफोर कहते हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। तो जीवाणुओं की दृढ़ कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड द्वारा निर्मित होती है, इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। तो यूकैरियोटिक कोशिका के समान विभिन्न कोशिका उपांगों जैसे कि सेल ऑर्गेनिल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जीकाय, प्लास्टिड व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि का जीवाणु कोशिका में अभाव होता है, और इनके डीएनए में मतलब जीवाणुओं के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिका द्रव्य में 70S राइबोसोम्स स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं, और इनकी प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं अंतर्वलन इनफोल्डिंग्स के द्वारा मीजोसोम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मीजोसोम्स बनते हैं। नेक्स्ट है 12 कैरेक्टरिस्टिक्स है, श्वसन एंजाइम्स कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। तो कोशिका में जीवाणु कोशिका में आरएनए व डीएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, परंतु जीवाणु कोशिका में एकल डीएनए
एक गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है एवं यह वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट है एकल डीएनए होने के कारण बैक्टीरियल सेल जीवाणु कोशिका एगुणित होती है, हैप्लॉयड होती है। ठीक है, कैसे होती है? हैप्लॉयड होती है और स्वपोषी एवं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कोशिकाओं में उपस्थित बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक थाइलेकोइड के समान पट्टियों में उपस्थित होते हैं। तो जीवाणुओं में कायिक जनन, विखंडन, बाइनरी फिशन, पुटिका निर्माण, सिस्ट, मुकुलन, बडिंग एवं गोनिडिया द्वारा होता है। और जीवाणुओं में अलैंगिक जनन, जीवाणुओं में अलैंगिक जनन विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कोनिडिया, शल बीजाणु, मोटाइल स्पोर्स एवं अंत बीजाणु एंडोस्पोर्स के द्वारा होता है। तो जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ जीवाणुओं में आनुवंशिक पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के उदाहरण मिलते हैं। ये विभिन्न विधियों जैसे कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एवं रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा होता है। अब बात करते हैं प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स इन बैक्टीरिया। कौन सी बात कर रहे हैं? प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स इन बैक्टीरिया। तो है सर्वप्रथम कोहन द्वारा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं को पादप जगत में रखा गया था। तो बैक्टीरिया को पादप जगत में रखने के और भी कई कारण हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है जीवाणु कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली दृढ़ कोशिका भित्ति कुछ बैक्टीरिया में सेलुलोज की बनी होती है। सेकंड है कुछ जीवाणु पौधों के समान तंतुवत वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया स्वपोषी जीवाणु पौधों के समान अकार्बनिक पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से भोजन के लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। फोर्थ है जीवाणु कोशिका भित्ति द्वारा भोज्य पदार्थों का घुलनशील अवस्था सॉल्युबल फॉर्म में अवशोषण होता है। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिका की संरचना एवं जनन की कुछ विधियां थैलोफाइटा समूह की कुछ सदस्यों के समान है। इसी प्रकार है जीवाणुओं में अकार्बनिक नाइट्रोजन से सभी प्रकार के अमीनो अम्ल बनाने का गुण होता है। एक मिनट बेटा, मैं एक खिड़की खोल रही हूँ, लाइट चली गई है ना? एक मिनट, ओपन कर रहे हैं विंडो को, अब आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, उसको आने। तो जीवाणुओं में अकार्बनिक नाइट्रोजन से सभी प्रकार के अमीनो अम्ल बनाने का गुण होता है। प्रकृति में बहुधा जीवाणुओं एवं कवकों की मध्यवर्ती अवस्था पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो पहला है दोनों समूहों में कोशिकाओं का परिमाप साइज 1 से 10 माइक्रोन मीटर तक होता है और कुछ कोशिकाओं की साइज 50 माइक्रोन मीटर तक होती है। तो इन कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक केंद्रक प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसी प्रकार अपन सेकंड देखते हैं कि इन दोनों पादप समूहों में एक कोशीय अथवा कॉलोनीय पादप पाए जाते हैं, जबकि सबसे जटिल संरचना फिलामेंटस फॉर्म्स की होती है। दोनों में कोशिका भित्ति संरचना एवं कोशिका विभाजन समान होते हैं, मतलब बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी में दोनों में कोशिका भित्ति संरचना एवं कोशिका विभाजन समान होते हैं। इसी प्रकार बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कोशिका उपांग नहीं पाए जाते। इसी प्रकार बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी में केंद्रक पदार्थ डीएनए का बना होता है व प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इसी प्रकार दोनों की कोशिकाओं के बाहर, मतलब बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिकाओं के बाहर अधिकतर
जिलेटिनिक आवरण जिलेटिनस शीट पाया जाता है। अब अपन देखते हैं दोनों में समान प्रकार के कोशिका प्रारूप जैसे गोलाकार, स्फेरिकल, बेलाकार, सिलेंड्रिकल एवं सर्पिलाकार, स्पाइरल इत्यादि पाए जाते हैं। मतलब दोनों में बैक्टीरिया में वेब्रूबिन एल्गी में समान प्रकार के कोशिका प्रारूप पाए जाते हैं जैसे गोलाकार, स्फेरिकल, बेलाकार, सिलेंड्रिकल और सर्पिलाकार। और दोनों समूह में विश्रामी या प्रसुप्त अवस्था प्रसुप्त कोशिकाएं दोनों समूह में विश्रामी या प्रसुप्त कोशिकाएं रेस्टिंग सेल्स अथवा रेस्टिंग स्पोर्स विकसित होते हैं। और दोनों समूह मतलब बैक्टीरिया वेब्रूबिन एल्गी में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि बाइनरी फिशन के द्वारा होती है। और बैक्टीरिया वेब्रूबिन एल्गी में अलैंगिक जनन के समय चल बीजाणु जो स्पोर्स नहीं बनते। इसी प्रकार दोनों समूह के कुछ सदस्यों में अत्यधिक वेसिकेशन एवं जल के उबलने के तापक्रम तक जीवित रहने की क्षमता होती है। इसी प्रकार 12th है नील हरित शैवालों में भी प्रकाश उपलब्ध न होने पर मृतोपजीवी जीवाणुओं के समान ही मृत कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रह सकने की क्षमता होती है। तो दोनों समूहों में मतलब बैक्टीरिया वेब्रूबिन एल्गी में लैंगिक जनन का अभाव होता है। दोनों के कुछ सदस्यों में लैंगिक पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। अब बात करते हैं डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द ब्लूग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। नील हरित शैवालों एवं जीवाणुओं में असमानता, तो नील हरित शैवाल सदैव कशाबिका रहित होते हैं जबकि अनेक जीवाणु कशाबिका युक्त होते हैं। नील हरित शैवाल सदैव कशाबिका रहित होते हैं जबकि अनेक जीवाणु कशाबिका युक्त होते हैं। सभी नील हरित शैवाल एरोबिक होते हैं ऑक्सीकारी होते हैं जबकि कई जीवाणु एनारोबिक होते हैं। तीसरा है सभी नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल ए प्रयोग करते हैं जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल कुछ जीवाणुओं में ही होती है तथा उनमें भी क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता। तो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता का कार्य जल के द्वारा ना होकर हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा होता है। तो ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के हैबिटेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के हैबिटेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि हम जानते हैं जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं। जीवाणु भूमि, मृदा, वायु, जल, भोजन व जंतु इत्यादि सभी में मिलते हैं। शायद इस संसार में कोई ऐसी जगह हो जहाँ बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। यहाँ तक कि मानव इंटेस्टाइन, मानव आंत्र में ई कोलाई, ह्यूमन इंटेस्टाइन में ई कोलाई नामक जीवाणु बैक्टीरिया मिलते हैं। और जीवाणुओं की लगभग 2000 प्रजातियों की जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है। जीवाणु उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है और ये न्यूनतम से उच्चतम तापमान में भी पाए जाते हैं। तो कुछ जीवाणु तो बर्फ पे उबलते हुए जल में भी जीवित रहते हैं और जीवाणु हवा में हजारों फीट की ऊंचाई तक पर जमीन में लगभग 16 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं। परंतु वर्षा के जल, आसुत जल, कुएं के गहरे जल तथा ज्वालामुखी की राख वोल्केनो ऐश में जीवाणु नहीं मिलते। तो इसी प्रकार एक ग्राम मृदा में 1000 से 10 मिलियन तक की संख्या में जीवाणु मिलते हैं। ये मल पदार्थों, फल, दूध, सब्जी इत्यादि में भी बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई आज की जीवाणुओं की अपनी बात। किसी को कोई इसमें क्वेश्चन पूछा है तो पूछ लो। बेटा आवाज आ रही है किसी की? अब आवाज नहीं आए, कोई रिकॉर्ड चल रही है ना रिकॉर्डिंग, इसलिए। अभी देख लेना अपन ने क्या बात की थी, इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ मैं। अभी बताए थे प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स इन बैक्टीरिया,
जीवाणुओं की पादप विशेषताएं, तो सर्वप्रथम कोहन द्वारा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं को पादप जगत में रखा गया था। बैक्टीरिया को पादप जगत में रखने के और भी कई कारण हैं। पहला है कोशिका के चारों ओर, कौन से आवाज आ रही है, ये भी टेप रिकॉर्ड हो रही है साथ साथ, कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली दृढ़ कोशिका भित्ति कुछ बैक्टीरिया में सेलुलोज की बनी होती है। कुछ जीवाणु पौधों के समान तंतुवत वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया पौधों के समान अकार्बनिक पदार्थों से भोजन के लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, और जीवाणु कोशिका भित्ति द्वारा भोज्य पदार्थों का घुलनशील अवस्था में अवशोषण होता है। जीवाणु कोशिका की संरचना एवं जनन की कुछ विधियां थैलोफाइटा समूह के कुछ सदस्यों के समान है। तो जीवाणुओं में अकार्बनिक नाइट्रोजन से सभी प्रकार के अमीनो अम्ल बनाने का गुण होता है। तो प्रकृति में बहुधा जीवाणुओं एवं कवकों को मध्यवर्ती अवस्था पाई जाती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर ओमनीप्रेजेंट एंड बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विथ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल एंड द रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया विच इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड वाइल सेलुलोज इज एब्सेंट एंड लाइक अदर प्रोकैरियोट्स एज ब्लू ग्रीन एल्गी ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर ऑल्सो एब्सेंट इन बैक्टीरिया बोथ द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट एंड बैक्टीरिया लैक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिमिलरली द रेस्पिरेटरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय मीजोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इनवॉल्यूटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड क्लोरोफिल इज एब्सेंट which is generally found in all the plants. So in bacteria, chlorophyll is absent. Pigment, bacteriochlorophyll is present in autotrophic bacteria. And asexual reproduction in bacteria occurs by fission and distinct sexual reproduction is lacking in bacteria. But in some bacteria, we can say genetic recombination occurs by conjugation, transduction and transformation. कैसे होता है? By transformation. ठीक है, एक मिनट. What are important characteristics of bacteria? इसके बारे में मैं explain कर रही हूँ आपको. फिर अपन पढ़ सकते हैं. Existence of life on earth has become possible due to nitrogen and carbon cycles which occur and continue due to bacterial activities. Now, what are the characteristics of bacteria similar to plants? Some bacteria grow and acquire filamentous form like plants, and some autotrophic bacteria produce organic substances from inorganic substances for their food. As occurring in plants, cell wall absorbs food material in soluble form. And these are the characteristics of bacteria similar to plants. And what is the common feature in bacteria and blue-green algae? Matlab, both the bacteria and blue-green algae are unicellular, and the cells of both groups have prokaryotic nucleus, mitochondria, and Golgi bodies are absent in both the groups. So the structure of cell wall in bacteria and blue-green algae and the process of cell division are similar. ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया विच वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे. ठीक है, आज आप लोग कमी हो तो अब मैं एंड कर देती हूँ मीटिंग को, है ना. कल अपन क्या करेंगे, बैक्टीरिया के आगे कंटिन्यू करेंगे. कौन सा लेंगे कि हैबिटेट, तो अपन ने देखी ली. वी विल टॉक अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ द बैक्टीरिया, शेप एंड साइज ऑफ द बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे कल.